तो ये पूरा टीए मोटर्स की बिल्डिंग, ऊपर भी गाड़ी खड़ी है बहुत सारी। और ये देखिए उतरी बच गए। हाय हाय मजा आ गया। साइड में गाड़ी आ रही है, पुलिस वाली भी आ रही है गाड़ी, इसको लगा ले। तो आज बहुत दिन के बाद मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ। जब से वृंदावन से आया वैसे तो मैंने मोटो ब्लॉग किया ही नहीं। तो एक रीजन ये था कि रोड डेली, और एक तेरे की पानी निकाल रहे हैं, जब ही रास्ता ब्लॉक कर रखा है इसको निकाल रहे हैं पानी को। तो एक रीज़न ये था कि डेली शाम को बारिश हो रही थी, आज बारिश नहीं है शाम को, तो इस वजह से गणेश जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी महाराज जाओ, गणेश जी महाराज। तो अभी मैं जा रहा हूँ धर्मेंद्र भाई साहब के पास, वैसे ही घूमने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पुलिस की चेकिंग बहुत होती है, अब तो फिलहाल तो बंद है। तो बिजली घर आ गए हम, और यहाँ तगड़ा जाम है। एक तो ये आवरा साणों की वजह से भी ये खड़े हो गए दो, इनकी वजह से भी, और एक यहाँ पे रहता ही है जाम। एक अपनी गाड़ी यार बहुत तेज़ भागने लग गई है, एकदम पिकअप इसका ज़्यादा हाई हो गया, पता नहीं कैसे हो गया एकदम, बहुत भयंकर भाग रही है। ये देखिए क्या शानदार लग रहा है मानसिंह सर्किल। गाड़ी तो है नहीं यार उनकी। तो धर्मेंद्र भाई साहब तो हमें नहीं मिले, वो चले गए अगापुर, अगापुर चले गए वो फोटोग्राफी करने के लिए। उनका एक दूसरा चैनल है चिड़िया चटोटा, तो वो उसके लिए पक्षियों की वीडियो बनाने के चक्कर में चले गए, रह गए हम अकेले। मोहित को कॉल किया, मोहित कह रहा मैं तो निकल लिया घर से, मैं ठीक है तो मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में। अरे मैं तो कॉलेज के पास आ गया, अब देखते हैं मैंने कॉलेज, अरे क्या सुंदर लग रहे हैं, देखो पानी चल रहे हैं। ये पुलिस वाले भी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं बिना हेलमेट वालों का। उतरी बच गए, उतरी बच गए, इतना बड़ा गड्ढा आ गया एकदम। टीए मोटर चलते हैं, हमारे फ्रेंड रहते हैं यार इसमें, मोहित को लेके चलते हैं। कहाँ गया मोहित? तो अभी मैं बैठा हूँ मोहित के घर, और इसने बहुत बढ़िया चाय पिला दी मेरे को। क्या डाला था उसमें? सौंफ डाली थी, मैं कह रहा था सौंफ डाली थी, सौंफ नहीं। और ये बोल रहा है कि क्या डाले उसमें? तुलसी अर्क, तुलसी अर्क। मेरे को आ रहा था सौंफ का टेस्ट, बहुत अच्छी लगी चाय में। इसको ढाबा खुलवाते हैं चाय का, एक है ना मोहित सट्टावार, मोहित सट्टावार। ये बेटा ये बेटा चाय चाय पी लो भाई, चाय चाय। अभी निकल रहे हैं टीएम मोटर्स के लिए, और एक अपना दोस्त है प्रदीप सैनी, उससे मुलाकात करके आते हैं और आपको टीएम मोटर दिखाते हैं। तो अपने भरतपुर का पहला, शायद मारुति का पहला ही है ना, मारुति का पहला वर्कशॉप, और बहुत बड़ा वर्कशॉप है, तो आपको दिखाते हैं। 7 बजे बंद हो जाएगा, अभी 6:30 बज गए, तो निकलते हैं फिर यहाँ से। तो यहाँ तो बड़े पुलिस वाले खड़े हैं, तो आप अगर सीधा आओगे ना एमएचजे कॉलेज से मडरपुर वाली रोड पे, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक बोर्ड दिख जाएगा टीएम मोटर वर्कशॉप का। हाँ तो ये बोर्ड है टीएम मोटर्स का मडरपुर वाली रोड पे, और ये एक होटल है, ये मैरिज हॉल है ना। तो मैंने बहुत पुराना टाइम पे मैंने यहाँ पे काम किया है टीएम मोटर्स में,
तो यहाँ पे पुराने दिन याद आ गए। पहले मैं साइकिल से आता था, आज मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो ये यहाँ पे टीएम स्कूल भी है यहाँ पे, है ना? तो ये टीएम इंटरनेशनल स्कूल है और ये आपका टीएम सुजुकी, मारुति सुजुकी। अरे बहुत शानदार बन गया यार। तो कहाँ पे, अंदर ही ले लूँगा, साइड में खड़ी कर दूँ। 5 minutes later। तो ये टीएम मोटर्स, तो ये पूरा टीएम मोटर्स की बिल्डिंग, ऊपर भी गाड़ी खड़ी है बहुत सारी। और ये देखिए, क्या चीज, काई कैसी खड़ी है ये? अच्छा, इंश्योरेंस में। चल भाई चल। तो आजकल एमएजे कॉलेज में चुनाव होने वाले हैं, तो जगह जगह पोस्टर लग गए हैं। निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि शाम के वक्त बारिश आ जाती है और बारिश का माहौल चल रहा है। देखो कैसे आने वाली है शायद। तो यहीं पे चाय सुट्टा वार है, हमने वीडियो बना के डाल रखा है चाय सुट्टा वार का। अब खींचते हैं गाड़ी को। यहाँ पे रोड पे बड़ा मज़ा आता है खींचने में। हाय हाय, मज़ा आ गया। आगे जाके ब्रेकर है ना, इस वजह से। तो थोड़ी देर पार्क में चलते हैं, शास्त्री पार्क में, फिर चलते हैं घर के लिए। तो ये अपना केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो सुबह टिकट मिलती है इसको, इसकी 92 रुपये की, 92 की ऐसा है टिकट। और शास्त्री पार्क में देखो क्या भीड़ लग रही है। तो बच्चे कर रहे हैं स्केटिंग, एक स्केटिंग का वीडियो बना के लाते हैं, फिर चलते हैं। आई लव भरतपुर। अब आर ए टूट गया इसमें से। तो मैं हूँ शास्त्री पार्क में। तो यहाँ चल रहा था म्यूजिक, तो मैं इधर की साइड में आ गया। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इधर सारा सें बतख, वो दिखाता हूँ आपको भी थोड़ी देर में। कहाँ, तो सामने है मोर, बहुत शानदार सुपर लग रहा है। देखो क्या है, नहीं? और पास जाऊँ उसके, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं पर बतख नहीं दिख रहे, कांगे बतख। और ये आइला भरतपुर रात में चलेगा। तो थोड़ी देर में शास्त्री पार्क में रुक गया था, स्केटिंग देखी, बच्चे रैकेट खेल रहे थे वो देखा। तो यहाँ पे आपको चाट पकोड़े और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिल जाती हैं, खेलने की, कूदने की, घूमने की। बहुत बड़ा पार्क है ये। अब यहाँ से सीधे चलते हैं सीधे घर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नगर निगम भरतपुर में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो घर आ चुके हैं, बच गए हैं 7:45। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो लाइक, कमेंट, शेयर
और कमेंट करके बता देना वीडियो में क्या अच्छा लगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, मेरे हेलमेट, ये मेरा फर्स्ट हेलमेट है, मैंने लिया था 1500 रुपये का, फिर ये है 3000 रुपये का, फिर ये है 4500 रुपये का। तो अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये खाली है और ये यूज करता हूँ, ये तो पड़ा ही रहता है खाली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।